ये कतर के नेता के साथ ये मुलाकात बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि कतर की तरफ से जिस तरह से 8 भारतीयों को सजाए मौत सुनाई गई है, उसके बाद उम्मीद यही है कि शायद आज प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर जरूर कुछ ना कुछ अपनी बात कहेंगे। कोई ऐसा लीडर नहीं है जिससे वो वहां पे मिल नहीं रहे। अगर आपने डिप्लोमेसी सीखनी है तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम से सीखें। किस तरह वो, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे यूएई में कॉन्फ्रेंस मोदी साहब करवा रहे हैं। कतर से चल रहे विवाद में भारत को एक बड़ी सफलता मिल गई है। भारत सरकार के एक्शन के बाद भारतीय नौसेना के 8 पूर्व नौसैनिकों को अब फांसी नहीं होगी। लेकर प्राइम मिनिस्टर है अनवारुल्लाह काकर साहब, वो और के साथ साथ आर्मी चीफ गल्फ कंट्रीज के विजिट पर हैं और कहा यह जा रहा है कि जी बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आएगी। एक ऐसी कंट्री जहां पे हर वक्त टीटीपी अटैक करती रहती हो, अपने लोग भी, कभी लाल मस्जिद के भी लोग निकल आते हैं, कभी कोई निकल आता है, अपने ख्याल से यहां पे वाकई में कोई इन्वेस्टमेंट हो सकेगी? क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स का दिमाग खराब है कि वो यहां पर आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे? ऐसे उन्होंने दिखाया जनाब, प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई में भी जलसा कर सकते हैं और उनके इंतजार में। और कोई दुनिया का वजीर आजम ऐसे नहीं हुआ होगा कि वो दुबई पहुंचा हो या अबू धाबी पहुंचा, जहां पे भी वो पहुंचे हैं, और वहां पे जाके उनके आगे आवाम खड़ी हो। अब आपके सामने आ रहा है कि इंडिया की जरूरत पड़ रही है, तो इंडिया की जरूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी। और मैं आपको ये आज पहले ही आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ कि ये जो केस है ये खत्म हो जाएगा और जो इंडिया के 8 ऑफिसर्स हैं वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर, क्योंकि इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग कंट्री है और उनकी एलएनजी की डील चल रही है कतर के साथ। नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पे वो एक्टिव नहीं है। जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कतर के शेख हमद से होने का इंतजार लगभग पूरा भारतवर्ष कर रहा था, क्योंकि दोस्तों कतर के अंदर भारत के 8 नेवी ऑफिसर्स पर झूठे आरोप लगाए गए जासूसी के। इसके बाद कतर की अदालत से उनको फांसी की भी सजा सुना दी गई, लेकिन दोस्तों फिर बीच में यह भी खबर आया कि कतर इनसे बैक कर रहा है, अपनी जो उन्होंने फांसी की सजा सुनाई थी उससे बैक करके केस को अभी और लंबा लेके जाएगा। तो इन सभी इश्यूज पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कतर के शेख हमद की बातचीत काफी इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो कतर है वो मोटी मोटा आप लोग राजशाही मान के ही चलो, अगर कतर के शेख ने कोई स्टेटमेंट दे दी तो फिर वो कोई न्यायपालिका जो होती है उसमें कुछ नहीं कर सकती। अगर कतर के शेख ने कह दिया कि 8 भारतीयों को छोड़ना है तो मतलब छोड़ना है, चाहे सबूत हो, चाहे गवाह हो, चाहे कुछ हो। और वैसे भी अभी तक तो कतर ने एक भी सबूत भी नहीं दिए इल्जाम लगाने के बाद, ना सबूत दिए ना गवाह दिए। तो अगर मोदी जी ये सब बातें करते हैं कतर के शेख के सामने और अगर कन्विंस होते हैं कतर के शेख, तो भारतीयों की रिहाई पक्की है, और कन्विंस ना भी होंगे तो फांसी देने की दोस्तों मेरे ख्याल से इतनी अभी हिम्मत है नहीं। क्योंकि अगर कतर को, देखिए अभी तो डिप्लोमेसी से बात चल रही है, पर अगर कतर को कोई भी गलतफहमी है अपने बारे में तो गलतफहमी भी दूर रखने की सलाहियत भारत रखता है कि कोई भी ये कतर शतर देयर ऑफिसर्स एंड मेन ऑफ द इंडियन नेवी, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई छोटा मोटा मुल्क ऐसे कर दे हमारे साथ। हमारा कोई वहां पे केस बन जाता है या हमें जेलों में डाल देते हैं, हमारा मुल्क हमारे पीछे नहीं खड़ा होता। जिस तरह आज इंडिया का मुल्क सिर्फ 8 लोगों के लिए उनके पीछे खड़ा हुआ है, और मैं आपको बता दूं इस टाइम 10,000 से ज्यादा लोग सऊदी अरब की जेलों के अंदर पाकिस्तानी बैठे यार। दूसरे नंबर पे उनके सिर्फ 8 लोगों के लिए वो इतना कंसर्न रखते हैं, इतना सीरियस। कि एक यूएई ने क्या किया कि यूएई ने एक स्पेशल नरेंद्र मोदी को प्रोटोकॉल दिया है, जो प्रोटोकॉल नरेंद्र मोदी ने G20 में मोहम्मद बिन जायद को दिया था कि उनको बुला लिया था, ठीक है। अभी जनाब पीएम मोदी को उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑनर दिया है कि वो जो सेरेमोनियल ओपनिंग कॉल, हाउ दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट इंडिया जो है, और साथ ही उन्होंने कह दिया जी कि हम प्रपोज करते हैं कि COP 33 जो है वो इंडिया में कराई जाए। अब ये COP 28 है ना, ये आप देखिएगा जो COP 33 है ये इस तरह इंडिया में होगी कि मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के दिमाग में ये होगा कि क्योंकि एक तो हम उस वक्त तक जो कार्बन एमिशंस के हवाले से कोई ना कोई माइलस्टोन अचीव कर लेंगे और कहेंगे जी हम जो है वो हमने ये किया, COP 28 यहाँ पे हो रही है, सो COP 29th, COP 30th, COP 31, 32, 33 सेम उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का आखिरी साल होगा अगर वो इलेक्शन जीतता है अगला। सो वो दुनिया को बताएंगे, इंडिया को बताएंगे, देखो मैं COP 33 में सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को लेके तो इंडिया आ गया हूँ, देखो ये मेरी लीडरशिप है। दैट्स हाउ दे प्लान, इस तरह नरेंद्र मोदी प्लान कर रहे हैं। और उन्होंने ये जो वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट है वहाँ मोदी साहब ने एक नई सुरश्री छोड़ दी। देखें दे आर वर्किंग, उनकी टीम काम कर रही है, वो कह रहे हैं जी हम ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव देंगे,
ताकि हम कमर्शलाइजेशन और ये जो कार्बन को जो है कमर्शलाइजेशन को बीट कर सकें। जो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है, ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि ये इंसेंटिवाइज करेगा ताकि हम एक्शन ले सकें और ये जो कार्बन एमिशन ना हो सके। और मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म, ग्रीन क्रेडिट, अब ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव यही है, कर्जे कुर्जे ही होंगे कि मतलब द रिच पीपल शुड, जैसे वो पाकिस्तान ने जिसे वो कहते हैं ना किया हुआ है उसका एनवायरनमेंट के हवाले से, वो जो फंड का था वो पाकिस्तान का आइडिया था, ठीक है जी। पाकिस्तान ने भी इस हवाले से, जारी बात है वहाँ पे जिसे वो कहते हैं ना, हमने तो लॉस एंड डैमेज फंड की बात की थी, और इसमें हमारा मौकफ तो यही है कि भाई हमें वो जो हम बड़े अफेक्टेड हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं। अब पाकिस्तान के पास क्या है, पाकिस्तान कह रहा है जी कि हमारे, हमने 400 मिलियन की हमें प्लेजेस हुई हैं, ठीक है जी, और क्लाइमेट फाइनेंस के हवाले से। सो इसमें अगर आप देखें कि नरेंद्र मोदी ने बड़े स्पीडीली और बड़े इफेक्टिवली, ठीक है, वहाँ पे अपना फुटप्रिंट, एक तो यूएई को जो जिसे कहते हैं साढ़े पंजाबी कहते हैं उधार, ये लेन देन होता है, और लेन देन इस तरह किया है कि मोहम्मद बिन जैद को G20 में बुला लिया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आज के दिन जब सारी लीडरशिप इकट्ठी हुई थी, तो उसमें उन्होंने एक जिसे वो कहते हैं ना नरेंद्र मोदी को एक स्पेशल वो दिया और कहा जी कि वो आके बात करें। और उन्होंने, कोई ऐसा दुनिया का लीडर नहीं है जिससे उन्होंने गपशप नहीं की, जफियाँ नहीं डाली। दैट इज़ हाउ यू एक्ट, यू हैव टू, जिसे वो कहते हैं ना, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। एक तरफ तो आप ये कह सकते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जो है वो उसके इंडिया इंपॉर्टेंट है, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स यू कैन टॉक, बट यू हैव टू, यू नो, जिसे कहते हैं ना, आप इस तरह के फोरम में आपने, आपकी जो पब्लिक डिप्लोमेसी है वो बड़ी मैटर करती है। मीडिया आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं, वो जो तस्वीरें खींची जा रही हैं, आपको मैनेज करना है। आपने दुनिया को बताना है मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव बंदा हूँ। नरेंद्र मोदी 73 साल की उम्र में वो तेजस में बैठ के तो पौंबाटियाँ ले रहे हैं, ठीक है, एंड देन ही इज़ हियर। हमें इन चीज़ों को सीखना है, हमारे वज़ीरे आज़म को साढ़े झाके ही नहीं पे लाते थे, सानू पता ही नहीं पर लगता ऐसा करना की है, ठीक है जी। और ये जो हमने, क्योंकि पाकिस्तान ने लॉस एंड डैमेज फंड प्रपोज किया था, जिसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया गया, इस आइडिया को पाकिस्तान की मिनिस्टर शेरे रहमान, उन्होंने ये किया था, और ये डेवलपिंग नेशंस की बड़ी डिमांड है कि हमें ये जो है वो ये दिया जाए। ये इजिप्ट के अंदर ये जो कॉप समिट हुई थी उसमें पाकिस्तान ने 2022 में, ये जब पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स आए थे, तो हमने ये आइडिया दिया था। आई थिंक एट दैट टाइम पाकिस्तान के पास चेयरमैनशिप भी थी G77 की, सो पाकिस्तान को लॉबीड एफिशिएंटली। अब पाकिस्तान जो है उसको ये देखना है कि हमने, हमें ये आइडिया देना चाहिए था जी, कॉप 34th, 35th, 36th जो कॉन्फ्रेंस है वो हम कराना चाहते हैं, ताकि हम दुनिया को बता सकें कि हम तो डूबे हुए हैं। वो जो डूबे हुए हैं कहानी सी, क्योंकि अब हमारे बारे में ये भी कहा जाता है कि हम सारा विक्टिम कार्ड खेलते हैं। तो दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वैसे तो कतर, आप लोगों को पता ही है कि ये केस ऐसा चला गया, पहले फांसी देने के बाद कतर की न्यायपालिका का कहना है कि भाई भारत ने अपील किया है इस केस को लंबा करने के लिए, तो हम फांसी की सजा वापस लेते हैं और इस केस को अभी और लंबा लेके चलेंगे। लेकिन दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कतर के शेख से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डायरेक्टली ये बोलते हैं कि भाई शेख साहब, अगर आपके पास कोई प्रॉपर सबूत है 8 भारतीय नेवी के पूर्व ऑफिसर्स के खिलाफ, तो वो सबूत दुनिया के सामने सार्वजनिक करो, उनको डिस्प्ले करो, पूरी दुनिया को दिखाओ और फिर सजा दो, तो वो सही है। लेकिन दोस्तों, सबूत जो है अपने मन के अंदर, पता नहीं है या झूठे सबूत या है ही नहीं, उनको बिना दिखाए 8 जवानों को फांसी देना ये सही नहीं है। अगर मोदी जी ऐसा शेख साहब से कहते हैं, शेख हमद से, तो मुझे नहीं लगता शेख हमद इसको इग्नोर करने वाले, कुछ पॉजिटिव आउटकम जरूर आएगा इससे। और दोस्तों, मैं बता दूं, ये गल्फ कंट्रीज में ना न्यायपालिका, पुलिस ये सब कुछ नहीं होता। अगर इनके राजा ने बोल दिया, शेख ने बोल दिया, जो सर्वे सर्वा है, जैसे कतर के शेख हमद ने बोल दिया कि भाई 8 भारतीयों को फांसी की सजा नहीं होगी, तो फिर सारी फाइलें वहीं पे दब जाएंगी, क्योंकि वहाँ कोई न्याय व्यवस्था नहीं है। न्याय का जो सबसे बड़ा कोई मूर्ति है तो वो कतर के शेख हमद ही है, क्योंकि वो वहाँ के राजा हैं। और अगर उन्होंने कह दिया तो फिर भारत के जो 8 ऑफिसर्स हैं वो ऑटोमेटिकली छूट जाएंगे, इतना ड्रामे करने की कोई बात ही नहीं है इसमें।
दोस्तों दोनों देशों के बीच बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड होती है, कई सेक्टर में ट्रेड होती है। भारत उनको खाने पीने की चीज़ें बेचता है, क्योंकि भारत जो है अनाज का एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया में, आप लोगों को पता है, कभी चावल कभी दाल तो कभी फलाना, इतनी सारी चीज़ें बेचता है। बदले में कतर से हम ऑयल लेते हैं, और ऑयल लेने का ऑयल और सीएनजी वगैरह ऑयल प्रोडक्ट आप लोग समझ लो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे पास बहुत ऑप्शन है ऑयल खरीदने के, तो इसमें कोई पैनिक होने की बात नहीं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।